देखिए किरारपुरे के राम मंदिर के हम यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये राम मंदिर के ही सब यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे ना मंदिर को कुछ हुआ है, ना यहाँ पे मंदिर में रहने वाले जितने भी कर्मचारी है, जितनी भी माएं और बहनें यहाँ पर रहती है, मैंने उनसे जाती तौर के ऊपर जाके ये कहा कि आपको किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी करके। तो अगर कोई गलत बातें, कोई गलत अफवाहें फैल रही है तो आप देख सकते हैं कि आज रामनवमी के दिन राम मंदिर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। हाँ, गड़बड़ हुई है लेकिन मंदिर के बाहर हुई है, रास्तों के ऊपर हुई है लेकिन मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। तो अगर कुछ बातें ऐसी फैल रही है तो आप उसके ऊपर विश्वास मत करिए। ये पूरे जितने भी लड़के हैं ये सब यहीं के कर्मचारी हैं, यहीं पे रहते हैं, आप देख सकते हैं। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये विनती करना चाहूंगा, सभी जाति धर्म और समाज के लोगों से ये करना चाहूंगा कि आज रामनवमी का दिन है और यकीनन इसको मनाना चाहिए। रमजान है, रमजान का महीना भी हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे। यकीनन कुछ लोगों ने गलत हरकतें की है और ज्यादा मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि रमजान का महीना है, इबादत का महीना है, हम लोग अच्छे तरीके से मिलकर मनाएं। और मैं पुलिस से ये कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उनके साथ सख्ती से निपटा जाए। किसी भी तरह से हम कोई समझौता नहीं करेंगे क्योंकि हमारे शहर से बड़ा कोई भी नहीं है। उत्सव हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, त्योहार हम सबको साथ में मिलकर मनाना है, लेकिन चंद नौजवानों की वजह से अगर हमारे शहर, हमारे जिले की हालत खराब होती है तो हम किसी भी तरह से उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें बख्शेंगे नहीं। और मैं यही बात पुलिस को भी कहना चाहूंगा। तो सभी लोग जो है वो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। यही किरारपुरे की राम मंदिर है जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर राम मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहां के कर्मचारियों के साथ किसी तरह का कोई ऐसी हरकत नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये शहर, ये जिला जो है, ये यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो शांति प्रिय है। हम सभी लोगों की एक परंपरा रही है कि हम सब उत्सव साथ में मिलकर मनाते हैं। मैं आज रामनवमी का दिन है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत शुभ दिन है। मैं तमाम हिंदू भाइयों को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।